अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमने जब भी कोई वीडियो अपलोड की है तो जिस तरह एग्ज़ाम न्यूज़ है, आपके पास कोई पेपर पैटर्न है, तो जब तक वो चीज़ कंफर्म ना हो जाए हम अपलोड नहीं करते। सिमिलरली इस बार भी जो डेट कंफर्म हुई है उसी के लिए मैं आपको अब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें मैट्रिक की डेट आपको पता है, बल्कि पता लग भी गया होगा कि 26 जून मैट्रिक की डेट कंफर्म हुई है और उसके ठीक 15 दिन बाद सेकेंड ईयर के पेपर स्टार्ट होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक की जो डेट है वो 26 जून है और उसके ठीक 15 दिन बाद गालबन ये 11 जुलाई बनता है। किसके पेपर होंगे जी? सेकेंड ईयर के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे 11 जुलाई, 12 जुलाई या 10 जुलाई, कोई भी डेट हो सकती है। ठीक है, तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे अभी पेपर नहीं होंगे क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो कोरोना के केसेज हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कमी आ रही है और ये हम पे गर्व हो गया है। और इस तरह हम जो 1.5 साल से हमारे एग्ज़ाम्स रुके हुए थे अब वो लिए जा रहे हैं। तो मैट्रिक की जो डेट है वो 26 जून है और उसके 15 दिन बाद आपके जो पेपर स्टार्ट होंगे वो इंटर के होंगे, फिर उसके बाद गैप आ जाएगा। अब बीच में जो पेपर स्टार्ट होंगे ना वो है BA, BSc के, BCom के, MA के, ये 4 क्लासेस के पेपर होंगे। इन 4 क्लासेस के बाद सितंबर में जाकर आपके 9th और फर्स्ट ईयर के पेपर स्टार्ट होंगे। तो ये जो शेड्यूल है जो इन्होंने तय पाया है, दोबारा अगर कोरोना की लेयर दोबारा शिद्दत के साथ ना आई तो फिर ये इसी तरह पेपर लिए जाएंगे। तो अब आपसे यही अपील है कि आप जितना भी आपने अपना टाइम वेस्ट किया है उसको ख़त्म कर दें और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। 1 महीने से भी कम टाइम रह गया है, उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आई होगी और इंशाल्लाह आप ज़रूर पढ़ेंगे और इंशाल्लाह हम जो भी पॉसिबल हुआ जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड गेस्ट पेपर ज़रूर अपलोड करूँगा मैं। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।